नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी, हमें पॉजिटिव न्यूज। आज देख सकते हैं 89 विधानसभा में और आम पार्टी ने घोषणा कर दी है अपनी टिकटों की। तो परवेश मेहता जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। परवेश मेहता जी को सबसे पहले तो बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। टिकट मिली है आम पार्टी से, किन किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जाने का काम करेंगे? देखिए, मुद्दा आप कहोगे किन किन मुद्दों में, फरीदाबाद में कौन सा मुद्दा है जिसे उठाऊं, सोच में पड़ा हुआ हूं। एक भी तो काम ठीक नहीं है, सारा फरीदाबाद सड़क की बात करूं खुदा पड़ा है, बरसात की बात करूं डूबा पड़ा है, कोई बस अड्डे की बात करूं तो है ही नहीं, कोई सरकारी हॉस्पिटल की बात करूं है ही नहीं। नहीं, पहली सरकारें तो ये कह रही है हमने बहुत रोड बनवाए। वो उनमें से बताओ ना कौन सी सरकार कह रही है। 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल भाजपा वालों की थी। अब वो क्या होता है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं जी ओ भाजपा वालों ने कुछ नहीं किया 10 साल से। भाई उससे पहले तुम थे, तुमने क्या कर दिया है? आज भाजपा वाले एक दूसरे पे क्लास कर ले, कोई कह रहा हो वो बीजेपी का टिकट मिल गया वो जीत गया। अरे भाई ये तो बताओ, वो 5 साल मंत्री रहा, एक काम गिना दो मुझे, एक काम गिना दो 5 साल में साड़ियां कंबल बांटने के अलावा कोई काम किया हो तो गिनवा दो। कोई बताओ किसी स्लम बस्ती में कोई बड़ा काम किया हो, कोई बड़ा काम किया हो, किसी स्लम बस्ती का उद्धार किया हो, शहर का उद्धार किया हो, किसी बस्ती का उद्धार, कोई ऐसी चीज तो बता दो। आइए 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 आइए, आप देख सकते हैं मुबारकों की लाइन लगी हुई है, तांता लगा हुआ है मुबारकबाद देने वालों की। जी बताएं। तो आप ये बताइए कि मैं पूछना चाहता हूँ कि फरीदाबाद ओल्ड ही था ना पहले? जी जी। कोई दूसरा शहर तो नहीं था फरीदाबाद में, NIT सेक्टर कोई कुछ नहीं था? आज NIT में 2-2 बस अड्डे बड़े बड़े, बल्लभगढ़ में बस अड्डा, ओल्ड फरीदाबाद ने क्या गुनाह किया? मुझे हरिद्वार जाना है, मैं कहाँ जाऊंगा? यहाँ से बल्लभगढ़, और बल्लभगढ़ से बस अड्डा बस पकड़ूंगा फिर हरिद्वार जाऊंगा। ओल्ड फरीदाबाद का क्या रह गया? हमारा बच्चा पढ़ लिख के मेडिकल में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन यहाँ को है मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में? इतना बड़ा फरीदाबाद, बताइए कहाँ जाएगा? रोहतक जाएगा, कहाँ जाएगा? अम्बाला जाएगा, कहाँ जाए? अब ये बता दीजिए, ये कोई हॉस्पिटल सरकारी बिक के पड़ा है, सड़ रहा है, वो भी वहां है। इधर इस विधानसभा में किसने काम किया? वो नेता मेरे सामने आए। नहीं, जनता अगर आपको जिता के भेजती तो आप सबसे पहले क्या क्या काम कराने? देखिए, आपको जो गिनवा रहा हूँ, आपको गिनवा रहा हूँ, ऐसा और इन काम कराएंगे, और इन गरीब बस्तियों को, ये जो बस्तियां हैं वो कहते हैं जी स्मार्ट सिटी बना देंगे, गरीबी हटा देंगे। अरे भाजपा वालों, 5 किलो अनाज देने से गरीबी हटेगी? आप ही बताइए, 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे रहे हैं भाजपा वाले, क्या इससे गरीबी हट जाएगी? केजरीवाल जी की सोच है एक गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अमीर का बच्चा भी बराबर बैठे, और पढ़ लिख के दोनों डॉक्टर बने, दोनों इंजीनियर बने, तो गरीब का घर नहीं तर जाएगा? ऐसे गरीबी हटेगी? गरीबी ऐसे नहीं हटेगी। इसलिए मेरा ये कहना है, अगर ईश्वर ने चाह कृपा चाहिए, मैं 10 साल निगम पार्षद रहा हूं, आप 10 साल में उन लोगों के जाके पूछ लीजिए, उस समय सरकार भी नहीं थी, सरकार भी नहीं थी, और बिना सरकार के होते हुए मैंने कोई कमी छोड़ी हो? क्यों? ये मुझे बताइए, किसी ने सुना हो गुप्ता जी को 5 साल में विधानसभा में बोलते हुए? मैंने एक दिन गुप्ता जी से कहा, मैंने गुप्ता जी ये स्लम बस्तियां सारी सड़ रही हैं, इनका उद्धार नहीं कहोगे तो कैसे फरीदाबाद सुंदर बनेगा? बोला यार इनकी वोट का क्या है, जाके पैसे फेंको वोट ले लो। मैं बस्ती वालों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके इनको लूट लो, खा लो, वोट मत देना, इनको सबक सिखा देना पैसे वालों के, पैसे से वोट नहीं बिकने वाला। अब भी मारेंगे, अब भी सोचते हैं शराब दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे, पैसा है। जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया हुआ है, 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री, पानी फ्री, तो ऐसा यहाँ पे भी है पॉसिबल? बिल्कुल, यहाँ 200 की जगह 300 यूनिट जी, हरियाणा में 100 यूनिट फालतू, ठीक है, सारी चीज है उसके अंदर, पानी फ्री, बिजली फ्री, स्कूल फ्री, जी, स्कूल सुंदर बनाएंगे और फ्री, एयर कंडीशन बनाएंगे, उसके बावजूद बस के अंदर सफर फ्री लेडीज के लिए, और बुजुर्गों के लिए कहीं भी हरिद्वार जाना है, वैष्णो देवी जाना है, वो फ्री, उसके बाद हर औरत के लिए जो 18 साल से ऊपर है, मेरी बहन है, माँ है, उनके लिए 1,000 रुपया महीना उनकी पॉकेट खर्ची, घर से ना मांगे, वो भी फ्री। और आप देखिए ये हॉस्पिटल अभी के सड़ रहा है, यहाँ से डरते कोई आदमी डर के मारे मरीज नहीं ले जाता, ले जाएंगे तो जिंदा आएगा कि नहीं आएगा?
इतने सुंदर हॉस्पिटल बनाएंगे जैसे दिल्ली में बने हुए हैं, दिल्ली में बने हुए हैं, दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे। और एक काम फालतू करेंगे, कम नहीं करेंगे, समझे जी, एक काम फालतू करेंगे हरियाणा के अंदर। इसलिए हमारे केजरीवाल जी की सोच हम अंदर दे रखे हैं, आप भी जानते हैं, अब तो पूरी दुनिया जानने लगी, नजायज दे रखे हैं, चुनाव तक मत निकलने दो। ये सोच है क्या? ये सोच है। मोदी जी को चाहिए कि अच्छे विपक्ष के नेता भी अगर अच्छे हों, काम करने वाले हों, उनके कंधे पे हाथ रखे, उन्हें शाबाशी दे कि आगे बढ़ो, बल्कि जेल में ना दे। लेकिन क्या करें, मैंने भाजपा क्यों छोड़ी, क्यों छोड़ी? लोग कहते टिकट के लिए, नो। जिस भाजपा के अंदर सरकार बदलते ही, सरकार आते ही अडवाणी और अटल की इतनी बुरी दुर्दशा हुई, जब वो अटल अडवाणी के नहीं हुए तो मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के क्या होंगे। इसलिए मेरा मानना है फरीदाबाद वालों को, ये समय है पंजाब की तरह, दिल्ली की तरह आम आदमी केजरीवाल जी को लाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि फरीदाबाद एक सुंदर शहर बनेगा। जो हालात हैं ये हालात नहीं रहेंगे। जैसे कि पंजाबी समुदाय सारे मीटिंगें कर रहे थे, जैसे कि आपको अब पंजाबी समुदाय को टिकट मिल गई है, तो कैसा उत्साह है पंजाबियों में? देखिए, ये समाज के लोग, मैं तो नॉमिनेशन के बाद ऐसे कई समाज के लोगों को मिला हूँ, उनके अंदर ये है, इस बार समाज एक होगा। लेकिन मैं इतना भी बता देता हूँ, मैं 36 बिरादरियों का नेता हूँ, एक बिरादरी पे जाने वाला नेता नहीं हूँ। मेरी बात समझे, मेरा 9 का रिजल्ट आप निकाल लीजिए, 9 के रिजल्ट के अंदर आपको नजर आ जाएगा कि मेरे को गरीबों ने कितना वोट दिया, मेरी झोली भर दी। मैं पंजाबी हूँ, मुझे गर्व है अपने समाज पे, सबको गर्व होता है। लेकिन ये उनकी सोच है, जाऊंगा भाई, दो लड़ रहे हैं, बीच में से निकल जाओ, निकाल दो। अगर उनकी सोच बदल गई, जैसे कांग्रेस में इकट्ठे हुए भाई, इस बार पंजाबी, भाई हमारी पार्टी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी, अब उनको सोचना क्या करना। तो क्या कहना चाहेंगे आप जनता से, 89 विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा भारी वोटों से आपको जिता के? जनता से मेरी अपील है जी, कि देखिए, एक बार केजरीवाल जी उसकी फौज को ले आओ, एक बार दोबारा दिल्ली की तरह हम अपने विकास पे वोट मांगेंगे, पैसा देके नहीं मांगेंगे, किसी ढंग से नहीं मांगेंगे, हम कहेंगे हमने विकास किया, हमने ये किया। अब भाजपा वाले सड़क पे बताए तो क्या किया, 10 साल में एक काम गिनवा दें हमें, यहाँ के मंत्री जी गिनवा दें, विधायक जी गिनवा दें, क्या है साल सुनते क्या हो रहा है, अरे संत नगर में भीड़ लग रही क्या हो रहा है, साड़ियाँ बट रही हैं, इसी नगर में भीड़ लग रही क्या हो रहा है, कम्बल बट रहे हैं। भाई हम पे नहीं है पैसा, हमारे केजरीवाल के सिपाही हैं, हम पे है प्यार, हम ना प्यार बांटेंगे, विकास बांटेंगे, विकास और प्यार के दम पे अपने आप को जिताएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। आप देख सकते हैं प्रवेश मेहता जी हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी से, और इन्होंने कहा है कि हम प्यार बांटेंगे और सबको बिजली पानी और स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा ये फ्री कराएंगे।